तो इस व्लॉग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, और ये आप वॉल देखो गौर से, और इसकी जो एक एक टाइल है वो सारी दुनिया से सारे अलग अलग धर्मों के लोगों ने मेहर बाबा की इस वॉल को बनाने के लिए दिए। एक एक जो भक्त है उसने एक एक टाइल पे पेंट करके भेजा है। जैसे किसी ने अवतार मेहर बाबा लिखा है, किसी ने भारत का झंडा बनाया है, किसी ने लव गॉड ऐसे मैसेज दिया है। तो ये खासियत है इस जगह की। तो नमस्कार दोस्तों, तो मुंबई में हमने हर बार सुना है नेचर वॉक करो, लेकिन नेचर वॉक के लिए कोई अच्छी जगह मिलती नहीं है। ये देखिए, इसे कहते हैं नेचर वॉक, जहाँ मैं लगा हुआ हूँ नेचर के साथ वॉक करने के लिए। कौन सी ये जगह है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये देखिए, ये जो सुंदरता है ना फूलों की, ये जो ग्रीनरी है वर्षा ऋतु की, ये अलग ही है। तो जो लोग शांति चाहते हैं, महज 260 किलोमीटर दूर मुंबई से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, कभी मौका मिले तो आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या खास है, यहाँ पे है अवतार मेहर बाबा की समाधि। लाखों श्रद्धालु आते हैं, हर साल आते हैं। यहाँ कैसे पहुँचना है वो डिटेल्स मैं इस व्लॉग में बताऊँगा। अगर आप मेरी तरह मुंबई से अहमदनगर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बोरीवली वेस्ट से रात को या अर्ली मॉर्निंग पुणे के लिए या डायरेक्ट अहमदनगर के लिए बसें चलती हैं। नीता बस स्टैंड से गोकुल होटल के पास से आपको ये मिलेगा। अदरवाइज दादर से भी आपको काफ़ी बसेस मिलेंगी, उन सब की डिटेल्स मैं नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो बॉम्बे से कनेक्ट करती हैं अहमदनगर को, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी जानकारी भी मैं नीचे दे दूंगा। सबसे कमाल की बात है इस टूर की, जो यहाँ पे शुरू होता है जब हम हाईवे पे जाते हैं, और हाईवे पे ख़ास तौर से जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है जब उसको ट्रेवल करते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपने जब ऑटो लेना है तो उनको कहना है कि आपको MPR जाना है मेहर बाबा के, वहाँ हर कोई जानता है, तो वो आपको वहाँ ले जाएंगे और तकरीबन आपसे 150 से 200 रुपए के बीच में चार्ज करेंगे। एक बार MPR में आप दाखिला ले लेते हैं, तो उसके बाद वहाँ से समाधि जो है वो महज 800 से 900 मीटर की दूरी पर रह जाती है। तो मेहर पिलग्रिमेज रिट्रीट आने का एक तरीका ये भी है कि आप या तो वॉक करके जाएं और आएं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर है, या फिर हमारी तरह ऑटो हायर कर सकते हैं आप चाहे तो। हवा बड़ी ज़बरदस्त है और यह है रिट्रीट। आपको ये जानना भी ज़रूरी है, यहाँ मेल और फीमेल को अलग अलग अकोमोडेशन दिया जाता है। ये मेहर बाबा की बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेमस तस्वीरों में से एक है। यहाँ के कुछ डिसिप्लिन हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है, और एक बार आप सेटल जब हो जाते हैं तो उसके पास समाधि जाने के लिए जो रास्ता है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। तो आप यहाँ से सीधा समाधि की ओर जा सकते हैं पैदल वॉक करके, बिल्कुल नेचुरल नेचर वॉक है, और जहां जरूरत हो वहां पे आवाज ना करें। अवतार मेहर बाबा की जय।
तो दोस्तों ये है समाधि। मैं जानबूझ के उधर से शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे साइलेंस रहता है और वहाँ शूटिंग नहीं करनी चाहिए। वैसे तो लिखा हुआ है कि शूटिंग ना करें, लेकिन मैं खुद समाधि से काफ़ी दूर आके शूटिंग कर रहा हूँ। ये एक पुरानी लाइब्रेरी है इधर और ये मेहर बाबा की समाधि है। और जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, यानी कि ये है रंगमंच। तो जो बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं, ख़ास तौर से अमर तिथि मनाई जाती है, यानी कि वो दिन जब मेहर बाबा ने अपनी बॉडी इस सांसारिक दुनिया से छोड़ दी थी, त्याग दी थी या ड्रॉप की थी, तो 31 जनवरी 1969 को मेहर बाबा ने बॉडी ड्रॉप की थी। तो उसके उपलक्ष में हर साल में 31 जनवरी को यहाँ पे श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। कोविड की वजह से पिछले 2-2.5 साल से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद ऐसे कर रहे हैं बाबा भक्त कि इस बार फिर से ये जो पूरा मैदान आप देख रहे हैं और पूरी जो शांति यहाँ पे है वो अकल्पनीय है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर। तार मेहर बाबा की जय। तो लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि मेहर बाबा है कौन। तो अगर आप थोड़ा सा भी अध्यात्म में विश्वास रखते हैं तो मेरा ये मानना है कि उनके बारे में मैं आपको बताऊं, इससे ज़्यादा आप उनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए या ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि हर आदमी की एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक जर्नी होती है जिसका मुझे ऐसा लगता है कल्मिनेशन या अंत जो है वो मेहर बाबा पर होता है। वो कौन है, क्यों है, क्या है, इन सब सवालों के जवाब व्लॉग में देना लगभग असंभव है। जब तक आप इस जगह पर नहीं आते आपको नहीं पता चलेगा कि ये जगह क्या है, मेहर बाबा क्या है। फिर भी अगर मैं बहुत ही साधारण तरह से समझाने की कोशिश करूं तो ये बताऊंगा कि 5 स्पिरिचुअल गुरु जो हैं, जो महाराष्ट्र में जिनके कदम पड़े और महाराष्ट्र से जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी अपनी शुरुआत की और इस देश को, इस राष्ट्र को एक नवोत्थान की तरफ लेके गए, जिसमें साई बाबा, हज़रत बाबा जान, ताजुद्दीन बाबा, नारायणी महाराज और उपासनी महाराज, ये 5 स्पिरिचुअल गुरुज ने मिलकर, यानी कि सदगुरुओं ने मिलकर मेहर बाबा को अपनी शक्तियाँ सरेंडर की, ऐसी एक बहुत बड़ी मान्यता है। तो ऐसा कहते हैं कि इस जगह पर मैं तो महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा विश्वास है कि इस जगह पर गॉड स्पीक्स, यानी कि ईश्वर बोलता है। और ईश्वर कैसे बोलता है? ईश्वर बोलता है अपने प्राकृतिक रहस्यों से, ईश्वर बात करता है। बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं करके, मेरा मानना यह अनुभव करने की चीज़ है कि एक बार आप समाधि पे ज़रूर आएँ। और ख़ास तौर से शिरडी के बहुत पास है, तो शिरडी अगर जाते हैं तो अहमदनगर ज़रूर आएँ, मेहर बाबा की समाधि पर ज़रूर मत्था टेकें, तो आपको एहसास होगा। कुछ साल पहले तक ये सब जो है, जो ये सब समाधि के आसपास का जो पूरा इलाका है, मैं दिखाता हूँ आप, यानी कि ये जो सारा इलाका है ये सूखा, बेजाड़, सुनसान हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ हरियाली है। वैसे तो भौगोलिक स्तर पे देखा जाए तो ये अपने आप में एक सूखा इलाका है, या जहाँ बारिश नहीं होती है या बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप ग्रीनरी देख सकते हैं, ये बढ़ती ही जा रही है। तो मेहर बाबा का कथन है कि अहमदनगर में अ बिग टाउन, एक बड़ा शहर खड़ा हो जाएगा, जो कि हम जब अहमदनगर में एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल 100% सत्य है। सो क्वेश्चन इज व्हाई वी आर हियर, शिप्रा इज हियर, माई फादर इज हियर एंड माई मदर इज जस्ट गॉन फॉर द समाधि दर्शन वंस अगेन। तो आज है मेरी माता जी का जन्मदिन और इसके लिए हम प्रसाद भी प्रिपेयर कर रहे हैं इधर समाधि पे, एक साया। तो ये केक है, कुछ समोसे वगैरह हैं जो सब श्रद्धालुओं को, जो मेन प्रेयर होती है उसके बाद दिए जाएंगे, ये भी केक है।
और ये मेरी मम्मी आ गई है, बर्थडे गर्ल। मम्मी हैप्पी बर्थडे। सब यूट्यूब से आपको बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे। Meher Baba bless you, Meher Baba bless you, happy birthday to you. ये साउंड सुनिए आप, सुबह के लगभग 6 बजने में कुछ मिनट बाकी है। ये समय होता है MPR में, यानी कि मेहर पिलग्रिमेज रिट्रीट में, चाय का। 7 बजे दर्शन होते हैं समाधि पर, उसके बाद 8 बजे यहाँ वापस आना होता है, नाश्ता होता है, और उसके बाद जैसे कि आज संडे है तो संडे को मेहराबाद बस जाती है, मेहराजात बस जाती है, जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे वो सब चीज़ों के हम दर्शन करते हैं इस कार्यक्रम के तहत, जो कि बाबा जहाँ रहे थे, बाबा ने अपना समय गुजारा था, और वहाँ पे एक हिल भी है जिसे कहते हैं मनोनाश हिल। तो ऐसा कुछ कुछ रूटीन रहता है अगर आप MPR में ठहरते हैं। ये जो पक्षियों की आवाज़ें और ये सब आ रही हैं, ये बड़े बड़े शहरों से आजकल पूरी तरह से गायब हो गई हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी और सिंपल है यहाँ पे। आप बहुत मेजर लग्जरी की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई होटल नहीं है, अ काइंड ऑफ रिजॉर्ट है जो पिलग्रिमेजेस के लिए बनाया गया है। अभी कोई भी यहाँ पे ज़्यादा उठा नहीं है, ऑलमोस्ट टी टाइम पे लोग आते हैं एंड कैंटीन में जाके फिर चाय पीते हैं। कैंटीन नहीं, ऐसा कहना चाहिए काइंड ऑफ अ मेस है, जैसे कॉलेजेस में होती है। तो मैं कोशिश कर रहा था डॉगो को बुलाऊं, बहुत ही प्यारा है ये यहाँ की गार्ड ड्यूटी पे रहते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और इन भाई साहब को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ छोटे छोटे कई रैबिट्स हैं उन्हें दौड़ाने में। जाओ घूमो। तो इधर है मेस, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और अंदर पूरी व्यवस्था होती है चाय की। ये मेहर बाबा की तस्वीर यहाँ लगी है। चलो चलते हैं चाय के लिए। ये देखिए, यहीं पे डिनर वगैरह भी होता है, लंच डिनर सब कुछ। तो 6 बज गए, यहाँ पेंटिंग्स है बाबा की। सो लेट मी हैव सम टी, चाय ले लेता हूँ। और बहुत ही टाइमली सब कुछ होता है यहाँ पे, तो उसमें चाय रहती है और उसमें गरम पानी। सबसे अच्छी बात ये है कि सब कुछ बहुत टाइमली यहाँ पे होता है। चीनी आप अलग से डाल सकते हैं इसमें।
तो मैंने अपनी चाय बना ली है, बैठता हूँ यहाँ। तो एक अलग सी शांति मिलती है यहाँ पे आप जब आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता। ये जो व्लॉग है ये बेसिकली उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि जो थोड़े क्यूरियस हैं। सुबह की पहली चाय मेहर बाबा के यहाँ, ये लो शिप्रा भी आ गई है। इसको मैंने उठाया आज, चाय लेने जा रहे हो? शिप्रा पहली बार आई है यहाँ पे, तो आई थिंक ये अच्छे से बता सकती है कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पे। ये एक्सपीरियंस बताने वाला नहीं है, ये एक्सपीरियंस फील करने वाला है, क्योंकि वर्ड्स ही नहीं है, एकदम डिफरेंट है, पीसफुल है, शांति है। दुनिया ऐसी लग रही है दुनिया के कौन से कोने में आ रही है, ये अलग ही वर्ल्ड है। लेंगे फोटो तो बाद में कर लेंगे, नहीं मतलब है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये, ब्रेकफास्ट के बाद अब समय है मेहराजाद जाने का। एमपीआर से मेहराजाद के लिए 9:30 बस जाती है। बस जा रहे हैं, फर्ज कीजिए कि आपको एमपीआर में जगह नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ ना आए, बल्कि उसके लिए व्यवस्था जो है वो डी हॉस्टल में की जाती है। एक है मेहराबाद जहाँ पे मेहर बाबा की समाधि है, और दूसरा है ये मेहराजाद जहाँ पे बाबा रहे बाबा मेहराबाद में भी। लेकिन यहाँ की अपनी मान्यता है, यहाँ काफ़ी सारी वैसी चीज़ें हैं जो बाबा के टाइम से चली आ रही हैं और प्रिजर्व करके रखी गई हैं तमाम मेहर बाबा लवर्स के लिए, या तमाम उन लोगों के लिए जो इस जगह को विज़िट करना चाहते हैं। बहुत कम चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस जगह को विज़िट करके ही आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई देश रह गया होगा जहाँ बाबा लवर्स नहीं हैं या नहीं पहुँचे हैं, नहीं तो चीन, इज़राइल, अरब, भारत के कोने कोने से, हैदराबाद, हमीरपुर, दिल्ली, मुंबई, ये तो बहुत आम बात है, या कोने कोने से जैसे कि बंगाल, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट, इसके अलावा कोरिया, ऐसे ऐसे देश मतलब जो अपने आप में बेहद अलग हैं संस्कृति में, उन तक मेहर बाबा का नाम कैसे पहुंचा? इंटरनेट के थ्रू तो जो पहुंचा वो पहुंचा, लेकिन उससे पहले से सैकड़ों सालों से लोग मानते आ रहे हैं, तो वो कैसे हुआ उसके बारे में भी आप जानेंगे, लेकिन तब जब आप इस प्लेस को विज़िट करेंगे। ये है बाबा की वो कार जिसे प्रिजर्व करके रखा गया है, जिसमें मेहर बाबा अपने समय में घूमते थे। तो ये मेहराजाद है, यहाँ तकरीबन चीज़ें वैसे ही हैं और वैसे ही प्रिजर्व करके रखी हुई हैं जैसे बाबा के समय में थी। फ़िलहाल इसके बारे में इतना ही बताऊँगा।
तो आपके पास अगर अपना कोई प्राइवेट व्हीकल है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ पहुँच सकते हैं मैप के थ्रू भी, और लोगों से पूछेंगे वो भी आपको रास्ता बताएंगे। नहीं तो MPR से डी हॉस्टल से, वहाँ से बकायदा बस आती है, मैं बस लेके आया हूँ। और कोशिश यही है कि इस तमाम भजन और कीर्तन में शामिल हुआ जाए। एक से डेढ़ घंटा बिताने के बाद, यहाँ भजन मंडली के साथ बैठने के बाद और सब दर्शन करने के बाद, मेहरा माई के कमरे के दर्शन करने के बाद, अब वक्त था वापस MPR जाने का, क्योंकि लंच का समय हो रहा था और टाइम बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट रहता है, परफेक्ट रहता है यहाँ पर, टाइम टेबल बहुत ही पक्का है। इस बीच किसी ने मुझसे सवाल किया कि मैं कहाँ से हूँ। अहमदनगर, आधा उत्तर प्रदेश, आधा उत्तराखंड, तो सब मिलके सब पूरा भारत तो इस व्लॉग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं। जहां अंदर मेस है उसके बाहर ये एक सिटिंग एरिया है, और ये आप वॉल देखो गौर से, और इसकी जो एक एक टाइल है वो सारी दुनिया से सारे अलग अलग धर्मों के लोगों ने मेहर बाबा की इस वॉल को बनाने के लिए दिए। एक एक जो भक्त है उसने एक एक टाइल पे पेंट करके भेजा है। जैसे किसी ने अवतार मेहर बाबा लिखा है, किसी ने भारत का झंडा बनाया है, किसी ने लव गॉड ऐसे मैसेज दिया है। तो ये खासियत है इस जगह की, अहमदनगर की। और जब आप यहाँ पे आओगे मेहर बाबा समाधि पे, मेहराजाद, मेहराबाद, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बातें आपको नहीं बताई हैं। जब आप यहाँ आओगे तो आपको पता चलेंगी। तो ये अपने आप से सर्वधर्म संभाव, उसका ये प्रतीक है। तो जितनी भी डिटेल थी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ यहाँ टैग लगा दूंगा, कुछ ऊपर इधर डाल दूंगा, उनको आप क्लिक कीजिएगा, आपको पता लगेगा कहाँ है, लोकेशन क्या है, सब कुछ है। ये कोई होटल व्लॉग नहीं था कि मैं उस तरह से डिटेल में आपको बताऊं, एक स्पिरिचुअल शांत और उस किस्म का व्लॉग था। मैं कोई डिस्कवरी प्लस के लिए काम नहीं करता हूँ कि उसके लिए बना रहा हूँ मैं ये, तो मेरे से बहुत, और मैंने जान के बहुत सी चीज़ें नहीं बताई हैं इसमें आपको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। तो आप यहाँ आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, और मेरी यानी कि तुषार उप्रेती की तरफ से जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय।